हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सी लैंग्वेज के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में, पहला प्रिंटएफ और दूसरा स्कैनर। दोस्तों, प्रिंटएफ और स्कैनर आपकी सी लैंग्वेज में प्रीडिफाइंड फंक्शन है। प्रीडिफाइंड इन द सेंस कि ये जो फंक्शन है वो ऑलरेडी सी लैंग्वेज में डिफाइंड है और इनका क्या काम है वो ऑलरेडी वहां पे इंसर्टेड है। तो जो प्रिंटएफ फंक्शन है वो यूज किया जाता है आउटपुट के लिए और जो स्कैनर फंक्शन है वो यूज किया जाता है इनपुट के लिए। ध्यान देंगे, प्रिंटएफ किसके लिए? आउटपुट के लिए। और स्कैनर किसके लिए? इनपुट के लिए। तो प्रिंटएफ, स्कैनर, इन दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे क्या है कि आपके पास एक यूजर है, स्क्रीन है, आपने कंपाइल कर दिया, यूजर है, यूजर को आप कमांड दे रहे हो। कमांड क्या है कि आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इनके मार्क्स लिखने और चौथा टोटल हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें प्रिंटएफ की मदद से हम एक आउटपुट देंगे। आउटपुट क्या हो गया? उनका रिजल्ट या फिर सम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ के टोटल हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इनका जो इनपुट हम देंगे, यूजर से जो इनपुट हम लेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ का, और जो प्रिंटएफ की मदद से हम टोटल निकालेंगे उसके लिए हमने किसका यूज किया? प्रिंटएफ का। एग्जाम्पल से या फिर प्रैक्टिकल से समझते हैं। सबसे पहले आप प्रोग्राम कैसे शुरू करेंगे। आपने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर हम क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच, वॉइड मेन किया, फंक्शन शुरू किया और यहाँ पे करली ब्रैकेट के साथ अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप डेटा टाइप लिया क्योंकि सारे जो वैल्यूज है इंग्लिश, हिंदी, मैथ और टोटल, उनका जो फॉर्मेट है वो क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप डेटा टाइप ले लिया इंट, फिर हमने लिखा इंग्लिश कोमा हिंदी कोमा मैथ कोमा टोटल और सेमीकॉलन, यानी ये हमारे चार यहाँ पे आइडेंटिफायर या वेरिएबल आ गए। फिर हमने क्लियर स्क्रीन किया नीचे। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले यूजर को बोलोगे, स्क्रीन पे आप लिखोगे कि आपको यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स लिखने। तो हमने प्रिंटएफ यूज किया, मैंने बताया था आउटपुट के लिए क्या यूज करना है? प्रिंटएफ, यानी स्क्रीन पे कुछ भी लिखा रहे तो वो क्या हो गया? आउटपुट। तो हमने प्रिंटएफ यूज किया और हमने ब्रैकेट शुरू किया, डबल कोटे के अंदर हम लिखेंगे मार्क्स ऑफ इंग्लिश इक्वल डबल कोटे बंद ब्रैकेट बंद सेमीकॉलन। अब यूजर से इनपुट लेना है, हमने कमांड तो दे दिया, अब क्या लेना है? यूजर से इनपुट लेना है। तो हम क्या यूज करेंगे? स्कैनफ, ब्रैकेट शुरू, डबल कोटे के अंदर हम लिख देंगे परसेंट डी। परसेंट डी क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी कि जो आपने इंटीजर टाइप जो ये वेरिएबल लिए हैं या आइडेंटिफायर लिए हैं उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो जो इंटीजर टाइप जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी। तो हमने परसेंट डी लिया, डबल कोटे के अंदर बंद कर दिया कोमा। अब यह परसेंट डी तो ले लिया हमने, लेकिन ऊपर में हमारे पास चार आइडेंटिफायर है या चार वेरिएबल है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथ भी है, टोटल भी है। तो ये किसका है? तो ये इंग्लिश का है। तो इसका एड्रेस डिफाइन करने के लिए हम यहां पे देंगे एम परसेंट इंग्लिश, ब्रैकेट बंद किया, टर्मिनेट कर दिया या सेमी कॉलन दे दिया। तो ये हमारा ये आ गया। इसी तरीके से हिंदी और मैथ का लिख दोगे। अब हमें क्या निकालना है? टोटल। तो टोटल के लिए हमें एक इक्वेशन देनी पड़ेगी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इन तीनों के जो मार्क्स है वो ऐड हो गया। तो हमने टोटल लिखा इक्वल क्या? इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ सेमीकॉलन। नीचे आओगे आप, प्रिंटएफ लिखोगे, ब्रैकेट शुरू, डबल कोटे के अंदर हमने लिख दिया टोटल इक्वल परसेंट डी। मैंने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंट डी लिखा, डबल कोटे बंद कर दिया कोमा। परसेंट डी किसका है? एड्रेस किसका है? टोटल का है। तो यहाँ पे आपको एम परसेंट नहीं देना, सिर्फ आपको यहाँ पे टोटल लिखना है, ब्रैकेट बंद करोगे, सेमीकॉलन दोगे। नीचे स्क्रीन होल्ड करने के लिए हम देते हैं गेट सी एच, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, टर्मिनेशन या सेमीकॉलन। यहां पे कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, जो हमने स्टार्टिंग में करली ब्रैकेट स्टार्ट किया था उस करली ब्रैकेट को हम नीचे क्लोज कर देंगे और ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रोग्राम को आप लिखिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए। आपसे सबसे पहले तीन कमांड मांगी जाएगी। सबसे पहला कमांड आएगा इंग्लिश के लिए, जैसे आप इंग्लिश के मार्क्स डालोगे। दूसरी कमांड आएगी हिंदी के लिए, फिर मैथ के लिए, और जैसे मैथ का आप लिखोगे ऑटोमेटिकली टोटल वहां पे आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा प्रिंटएफ और स्कैनर के बारे में। आई होप की वीडियो आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक यू।